जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपको आदेश बताने वाला हूँ, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से ये आदेश आया दोस्तों। ईमेल आप देख सकते हैं और भोपाल दिनांक 10/6/2022 में हुआ है रिलीज। अब मैं आपको बता दूं, क्रमांक बटे आईटी सेल 227/2022-305 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय मध्य प्रदेश के लिए सूचना। विषय है कक्षा शिक्षण तथा डिजिटल लर्निंग में आईसीटी उपकरणों का उपयोग। दोस्तों यह जो डिजिटल हैं, डिजिटल से संबंधित ये आदेश है दोस्तों। स्कूलों में क्या व्यवस्था रहनी है, सबसे पहले इस आदेश को देखिएगा, महत्वपूर्ण आदेश है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के हाई बटे हायर सेकेंडरी विद्यालयों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कंप्यूटर लैब, इंटरएक्टिव पैनल, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट टीवी, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, टैबलेट एवं अन्य आईसीटी उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कक्षा शिक्षण में आईसीटी उपकरणों का उपयोग तथा विद्यार्थियों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालयों में उपलब्ध आईटी उपकरणों के बेहतर उपयोग किए जाने के संबंध में विद्यालय द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कंप्यूटर लैब, उत्कृष्ट विद्यालय तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में कंप्यूटर लैब स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से कंप्यूटर लैब की स्थापना का कार्य प्रचलन में है। कंप्यूटर लैब के संबंध में निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित किए जाएं। 1.1 दिया स्थानीय स्तर पर इंटरनेट कनेक्शन लिया जाए और 1.2 दिया है कंप्यूटर लैब में स्थापित सभी कंप्यूटर लैन लोकल एरिया नेटवर्क लैन के माध्यम से जुड़े हों, जिससे प्रत्येक कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो सके तथा सरलता से डाटा फाइलों एवं प्रिंटर स्कैनर को साझा किया जा सकता है। 1.3 दिया यदि लैन उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय स्तर पर लैन की व्यवस्था की जाए, स्मार्ट टीवी होना चाहिए। 2.1 पर दिया है समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा स्मार्ट क्लास के अंतर्गत विद्यालय में स्मार्ट टीवी तथा लैपटॉप डेस्कटॉप स्थापित किए गए हैं। 2.2 दिया है स्मार्ट टीवी में एन विल्ट सॉफ्टवेयर उपलब्ध होता है जिसमें विभिन्न एप्लीकेशन यथा इंटरनेट ब्राउजर मल्टीमीडिया प्लेयर इत्यादि उपलब्ध रहते हैं। 2.3 दिया शिक्षक अपने विषय से संबंधित वीडियो को यूट्यूब अन्य शैक्षणिक चैनल से डाउनलोड कर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पेन ड्राइव में स्टोर करें। 2.4 दिया है टीवी में यूएसबी पोर्ट होते हैं जिसमें पेन ड्राइव में उपलब्ध विषय से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। इस पर पढ़ाए गए पाठों का विद्यार्थी के मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 2.5 दिया है NCERTE के शैक्षणिक टीवी चैनल स्वयंप्रभा को टीवी पर देखने की व्यवस्था करें और चैनल में उपलब्ध शैक्षणिक पाठ के लिए आपको डिस्क एंटीना लगवाना होगी जिसे स्थानीय स्तर पर लगवाया जाए। इस संबंध में विस्तृत जानकारी www.government पर उपलब्ध है दोस्तों, swayamprabha.government.in पर उपलब्ध है। विद्यालय में एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्रय की जाए, हार्ड डिस्क में विभिन्न विषयों के वीडियो तथा अन्य डिजिटल सामग्री को स्टोर किया जाए। 3 दिया है इंटरैक्टिव पैनल होना चाहिए। 3.1 है इंटरैक्टिव पैनल एक LED पैनल होता है, यह एक इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल है जिसमें स्क्रीन को स्पर्श के माध्यम से उपयोग किया जाता है। 3.2 दिया है इंटरैक्टिव पैनल में इनबिल्ट कंप्यूटर प्रोसेसर तथा हार्ड डिस्क होती है जो किसी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है, देखकर सुनकर बातचीत करके विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 3.3 में दिया है इंटरैक्टिव पैनल के स्क्रीन पर हाईलाइटिंग एवं ड्राइंग और लिखने के लिए एक विशेष पेन का उपयोग करके डाटा को संशोधित किया जा सकता है। 3.4 है शिक्षक विषय को रचनात्मक बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के वीडियो प्रदर्शित कर सकते हैं जैसे फोटोग्राफ, नक्शा, लेख आदि। टैबलेट 4.1 है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदायित टैबलेट को शिक्षकों द्वारा नियमित उपयोग किया जाए। कक्षा में जाने के पूर्व टैबलेट को फुल चार्ज करें। 4.3 है टैबलेट को वाईफाई या सेलुलर नेटवर्क पर इंटरनेट से कनेक्ट करें। 4.4 है टैबलेट पर दीक्षा ऐप्स के द्वारा पुस्तकों को डाउनलोड करें।
4.5 है। टैबलेट के माध्यम से ई पाठ पुस्तक का उपयोग कर इसके अतिरिक्त टैबलेट में स्पीकर होते हैं जो ऑडियो बुक या टेक्स्ट टू स्पीच ई बुक्स को सरलता से सुनने की सुविधा का उपयोग करें। और 4.6 दिया है, टैबलेट पर यूट्यूब की सहायता से लर्निंग मटेरियल वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। 4.7 है, विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक गेम प्रश्नोत्तरी आदि का उपयोग करें। 4.8 है, एजुकेशन पोर्टल विमर्श पोर्टल में शिक्षक और बच्चों के लिए उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करें। 4.9 दिया है, टैबलेट का उपयोग प्रथम विज्ञान गणित विषय के शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाए एवं आवश्यकता अनुसार अन्य विषय के शिक्षक भी उपयोग करेंगे। 4.10 है, विद्यालय के स्थानीय मद में उपलब्ध राशि से सिम को रिचार्ज कराया जाए। 5 दिया है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बताया 5.1 में कक्षा शिक्षण में वीडियो को प्रदर्शित करने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाए। और विद्यार्थियों को 5.2 आपको बताता हूँ, विद्यार्थियों के बड़े समूह में प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है। 5.3 है, CCLE के अंतर्गत साप्ताहिक बाल सभा इत्यादि में प्रोजेक्ट का उपयोग किया जाए। ICT उपकरणों में कक्षा शिक्षण में उपयोग, क्रमांक 1.5 में उल्लेखित उपकरणों का शिक्षण में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्य द्वारा निम्न अनुसार कार्रवाई किया जाना है। 6.1 है, विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी प्रतिदिन प्रति कालखंड विशेष संबंधित शिक्षण कार्य में ICT संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए। 6.2 है, कक्षा 9 से 12 के लिए कंप्यूटर लिटरेसी हेतु कंप्यूटर की उपलब्धता अनुसार कालखंड में प्रावधान किया जाए। 6.3 है, संचनालय लोक शिक्षण यूट्यूब चैनल विमर्श में उपलब्ध वीडियो को कक्षा शिक्षण में उपयोग किए जाए। इसके अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक चैनल तथा स्वयंप्रभा दूरदर्शन दीक्षा में उपलब्ध डिजिटल पाठ सामग्री लर्निंग मटेरियल का उपयोग किया जाए। इन वीडियो को डाउनलोड कर हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में सेव किया जाए। 6.4 है, कंप्यूटर लैब के उपयोग हेतु विद्यार्थियों को क्लासवार बैच एवं विषयवार तैयार किए जाएँ। 6.5 है, IT कार्य में दक्ष शिक्षक अपने ई लर्निंग मटेरियल को मैप IT द्वारा तैयार LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड करें। और 6.6 है, विशेष शिक्षक ई लर्निंग हेतु नवीन पाठ सामग्री तैयार करें। 6.7 है, शिक्षण से संबंधित विभिन्न पोर्टल जैसे दीक्षा निष्ठा आदि का उपयोग कर पठन पाठन को आकर्षक बनाए। विद्युत आपूर्ति की बात करते हैं, 7.1 है, विद्युत वोल्टेज में उतार चढ़ाव ICT उपकरणों को खराब होने के प्रमुख कारण होता है, अतः सुचारू रूप से स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उचित क्षमता का विद्युत कनेक्शन होना चाहिए, उसमें अर्थिंग अवश्य करनी चाहिए। 7.2 है, समय समय पर UPS की बैटरी चेक करते रहना चाहिए और बैटरियां ठीक से चार्ज हो रही हैं या नहीं। 7.3 स्विच एवं प्लग ढीले नहीं होना चाहिए एवं केबल का सही तरीके से लगाएं जिससे स्पार्किंग ना हो। 8 दिया है, उपकरणों को रखरखाव के कक्षा में साफ सफाई प्रतिदिन की जाए। कंप्यूटर CPU को पर्याप्त हवा ना मिलने से अधिक गर्मी के कारण उपकरण खराब हो सकते हैं, अतः कंप्यूटर दीवार से सटाकर नहीं रखें, नमी वाली जगह पर एवं दीवारों को सीलन से भी उपकरणों से दूर रखें। 8.2 दिया है, आपको आप देख सकते हैं, विद्यालय में खराब उपकरणों को स्थानीय स्तर पर रिपेयर कराकर कार्यशील अवस्था में लाया जाए। रिपेयर हेतु आना वाला व्यय स्थानीय समग्र शिक्षा अभियान में उपलब्ध राशि से किया जाए। उपकरणों की सुरक्षा, उपकरणों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। कक्ष जिसमें उपकरण स्थापित हैं उसमें खिड़की दरवाजे तथा लॉकिंग इंटरलॉक इत्यादि की उचित व्यवस्था हो। विद्यालय में उपलब्ध ICT उपकरण संचालित स्थिति में होना चाहिए। प्राचार्य सुनिश्चित करें कि इन उपकरणों का उपयोग कक्षा शिक्षण में किया जाए। यदि किसी विद्यालय में उपकरण बंद स्थिति अथवा कक्षा शिक्षण में उपयोग नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्थापित IT सेल के समन्वय सह समन्वय द्वारा प्रत्येक विद्यालय में स्थापित ICT उपकरणों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। जिला कार्यालय में ICT से संबंधित सामग्री डिजिटल कंटेंट की रिपोजिटरी भी तैयार की जाए। अच्छे कार्य कर रहे विद्यालय के कार्यों को प्रदर्शित किया जाए जिससे अन्य विद्यालय अनुसार बेहतर कार्य करें। जिला शिक्षा अधिकारी प्राचार्य की मासिक समीक्षा बैठक में उक्त विषय को स्थायी एजेंडा रूप शामिल किया जाए। अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय। दोस्तों,
कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की बात आती है, मैंने एक आदेश में बताया था, तो हो सकता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी अतिथि शिक्षक रखे जाएं, लेकिन अभी वो आदेश नहीं आया, जैसे ही आता है मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को लाल बटन दबा कर कीजिएगा सब्सक्राइब। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।